जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दल जीत और चुनाव प्रचार करने में लगी है, और एक से एक स्टार प्रचारक अपने पक्ष में वोट करने के लिए चुनावी मैदान में उतार रही है। भूली में भी कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति झा आजाद के पक्ष में, पटना साहिब के भाजपा बागी शत्रुघ्न सिन्हा ने श्रमिक नगरी में जनसभा को संबोधित किया और कीर्ति झा आजाद के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड में सट टन गन और भारतीय राजनीतिक में बागी नेता के रूप में पहचाने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ बिहारी बाबू आज दोपहर एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली में जमकर राजनीति के गोले दागते दिखे। उन्होंने पीएम मोदी को हमेशा छुट्टी पर भेज देने की बात कही, उन्हें प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा बताया। वहीं सट टन गन के साथ मंच साझा कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने झारखंड की रघुवर सरकार को भी खूब लाथाड़ा। आपको बता दें, छठे चरण का मतदान 12 मई को होना है। इसी तारीख को देश की कोयला राजधानी धनबाद में संसदीय क्षेत्र के लिए वोटिंग होंगे। जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कोयलांचल धनबाद में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक की लाइन सी लग गई है। पहले पीयूष गोयल, फिर राजनाथ सिंह, ठीक उसी दिन राहुल गांधी और नितिन गडकरी। आज अपने बगावती शुरू के लिए भाजपा से अलग हुए पटना साहिब के सांसद सह अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भूली नगरी पहुंचे। यहां कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति झा आजाद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अपने समय से लगभग 4 घंटे विलंब सभा में पहुंचे बॉलीवुड के सट टन गन ने अपने फिल्मी डायलॉग खामोश से हमारे भाई और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सुबोध कांत सहाय जी आज का फिल्म दूल्हा, आज का दूल्हा बहुत ही दबंग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, मगर अनाड़ी नहीं है। ऐसे खिलाड़ी, ऐसे क्लब सिंह जी का भी स्वागत है। हमारे राज्य के प्रत्याशी सुबोध का भी पक्ष के स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भूली की जनताओं, जो प्यार आपने दिखाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूली की जनता। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के और विशेषकर हमारे कीर्ति आजाद के समर्थकों को, प्रशंसकों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को, रंग विशेष को मैं पुनः आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा मिसेस कीर्ति आजाद को प्रणाम करता हुआ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वे मेरे बारे में कहते हैं कि मैं जब सच बातें करता हूँ, मैं जब सिद्धांतों की बातें करता हूँ, मैं जब नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाता हूँ कि वो नोटबंदी जिससे पूरा देश गहिमाम स्थिति में आ गया, खुमचे वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, व्यवसाय, हमारे मजदूर परिवार, हमारा किसान परिवार, ये सब गहिमाम स्थिति में आया। हमारे घर की महिलाएं जिन्होंने सालों से जो प्यार आपने दिखाया, इसके लिए